हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना यह हिंदुस्तान की फितरत में है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हम मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के मुलाजिम के है। कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के है, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा।